गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 20 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एक्सरसाइज 20.4 क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कॉन्ट्रैक्ट इज ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना वेक्टर दे रखा है, इसका एरिया है 21.5 स्क्वायर यूनिट प्रूव करना है। तो हमने पहले ए लिख लिया, बी लिख लिया, क्वेश्चन में से एक ट्रायंगल बनाया, ए साइड ये हो गई, ए के एंगल के सामने बी एंगल के सामने वाली साइड बी होगी, ए क्रॉस बी निकाला, आई जे के लिखा, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट यहां पे नहीं है, उसको लिखेंगे हम जीरो। ऐसे ही आई का कोफिशिएंट -5, जे का कोफिशिएंट 7, के का कोफिशिएंट यहां नहीं है, उसको लिखेंगे जीरो। अब हम इसका ए क्रॉस बी करेंगे, डिटरमिनेंट्स को खोल लेंगे R1 के रेस्पेक्ट में, आई ये कैंसिल, ये कैंसिल, 400 -700, तो ये आ गया जे को, ये रो कैंसिल होगी, 0 × 3 0 आ गया, माइनस के 5 × 0 0 आ गया, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 3 × 7 = 21 माइनस के 20 और माइनस यहाँ फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 0i 0j और 41k। हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, i के कोएफिशिएंट में स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट में स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट में स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया 41। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, 1/2 इसका मैग्नीट्यूड आया 41, इसको डिवाइड करके आएगा 20.5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगे के क्वेश्चन आपको कल को बताए जाएंगे। थैंक यू।